हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। माय नेम इज रणजीत सिंह इंदा और स्टार्ट करते हैं आज एक नया टॉपिक। रिसेंटली हमने अपने प्रीवियस क्लास के अंदर सारे हमने सोलर सिस्टम, सेलेस्टियल बॉडी और पूरे यूनिवर्स के बारे में डिस्कस किया। आज हम अपना ही प्लेनेट अर्थ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे भी अर्थ को कैसे समझा जा सकता है, अर्थ का जो पूरा जो सरफेस है उसको कैसे समझेंगे उसके लिए डिस्कस करेंगे। तो हमें पता है आप सब लोगों ने ग्लोब देखा होगा, अगर मे बी सब ने देखा होगा, मैं अगर नहीं देखा है तो जो हमारा तो थंबनेल है उसके ऊपर ग्लोब का इमेज आ जाएगा, वो आप देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब क्या है? ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ। अर्थ का क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, जिस पर हमारा मिरर के अंदर मुंह दिखता है, उसी प्रकार ग्लोब है वो किसका मॉडल है? ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ है ना दोस्तों। सो बेसिकली हमने अर्थ को समझने के लिए, हमें लोकेट करने के लिए कुछ इमेजिंग लाइन हमने उसके ऊपर लोकेट की, उसको हमने माना है। वो सबसे पहले इमेजिंग लाइन जिसने ली थी, ये दी थी सबसे पहले, इसकी जो शब्दावली दी थी सबसे पहले कॉस्मोस ने दी थी। किसने? इसके बारे में सबसे पहले जिक्र किसने किया था? कॉस्मोस नाम का एक जियोग्राफर था, उसने इसके बारे में बताया था। ठीक है, तो हमने मैंने यहाँ तीन इमेज बनाए, जहाँ हम लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दोनों को कैसे समझेंगे वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे लैटिट्यूड। क्या समझेंगे? लैटिट्यूड जिन्हें हम अक्षांश भी कहते हैं हिंदी के अंदर। बेसिकली आपके मे भी आपको सर अक्षांश क्या होता है, देशांतर, जो अक्षांश है देशांतर क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, उसमें अगर आपको डिफर अगर आपको अच्छे से समझ आए तो एक काफी सिंपल मेथड है। हमें आपको पता है इक्वेटर लाइन, तो आपको पता है कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके जो लैटिट्यूड है वो कौन सी है आपकी? इक्वेटर है एक तो, है ना, इक्वेटर आपको पता ही है। तो हमें पता है कि जो इक्वेटर है वो अर्थ को इक्वली दो भागों में डिवाइड करती है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री। कितनी है दोस्तों? 0 डिग्री। तो अर्थ को जो नॉर्थ का है उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, साउथ का उसे साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, जिसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। आपको पता है कुछ ट्रॉपिक ऑफ ट्रॉपिक लाइन्स भी है। तो ट्रॉपिक लाइन है जो नॉर्थ में है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसकी वैल्यू है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और एक हमें ट्रॉपिक ऑफ कैपिकॉन है ना, जिसकी वैल्यू है 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, अब इसको हम कर्क रेखा भी, इसको हम कर्क रेखा और इसको हम मकर रेखा भी कहते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है, तो ये हमने लैटिट्यूड को ध्यान से समझ, जो टोटल इमेज लाइन है वो हमारी 180 है, 90 हमारे साउथ के अंदर और 90 नॉर्थ में, 90 साउथ के अंदर। तो आपने लैटिट्यूड को ढंग से समझ लिया। अब देखते आते हैं लॉन्गिट्यूड क्या है। तो लॉन्गिट्यूड को समझने के लिए आपको बताएं कि ब्रिटेन नाम का एक पहले के ब्रिटेन एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं डोमिनेंट कंट्री थी, आज भी है खूब कई देशों के लिए। तो वहां पे एक जगह है ग्रीनविच, और आपको उस समय डोमिनेंट में ब्रिटेन थे, तो उन्होंने अपने हिसाब से सारी मॉडिफिकेशन किए। तो उन्होंने अपने ही देश में से 0 डिग्री क्या है, प्राइम लाइन को लिया गया, जिसे 0 डिग्री प्राइम लाइन कहते हैं, जिसने क्या अर्थ को किसमें, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर दिया है ना। तो ये जो आपको बताया जो पैरेलल लाइन है उसे हम लैटिट्यूड कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, जिसे हम देशांतर कहते हैं। ये टोटल आपकी कितनी है? 360 है। कितने दोस्तों? 360 है ना। और ये क्या करती है, ये जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लाइन है ये क्या करती है, अर्थ को इक्वली क्या है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे जैसे मैंने एक और इमेज बनाया, इमेज इसमें क्या है, इसमें देखो जो ये आपको बताएं कि जो आपकी पैरेलल लाइन जो वो कभी मिलती नहीं, और उनके बीच का डिस्टेंस फिक्स रहता है। तो यहाँ पे कुछ चेंज, लेकिन जो आपकी लॉन्गिट्यूड है उनके अंदर क्या है, इसमें क्या है, आपका जो इक्वेटर है वहां पे तो इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा रहेगा। जैसे हम पोल की साउथ पोल और नॉर्थ पोल की जाएंगे, उनके बीच का डिस्टेंस कम होगा। क्या होगा? डिस्टेंस कम होगा। इसलिए जो हमारा टाइम है और टाइम जोन से उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करने में आगे शॉर्ट्स के अंदर पड़ेंगे, है ना। तो लॉन्गिट्यूड जो दो लैटिट्यूड होती है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है दो लॉन्गिट्यूड, जैसे मैंने एक बॉक्स बनाया, एक बॉक्स को कहते हैं ग्रिड। क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रिड, है ना। तो ये इस प्रकार खूब बॉक्स उन्होंने ग्रिड कहते हैं, उनसे हम क्या करते हैं किसी भी देश की फिक्स लोकेशन पता लगा सकते हैं, है ना। और हमें ये भी पता है जो हमारी अर्थ है वो 23.5 डिग्री एक्सेप्ट क्या है, बैंड 10 झुकी हुई है, जिसकी वजह से क्या है जो अपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे वहां पे क्या 6 महीने दिन होते हैं और 6 महीने क्या रहती है रात, वो भी हम शॉर्ट्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।